देख सकते हो यहाँ पे ये इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि इससे आप साइकिल वगैरह आराम से साफ कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही वहाँ पे देख सकते हो इसका प्रेशर कहाँ तक जा रहा है। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। तो यार अभी से कुछ टाइम पहले विश्वकर्मा पूजा था जिसका मैंने व्लॉग डाला था, ठीक है। जो लोग व्लॉग चैनल पे फॉलो करते हैं वो लोग तो जानते होंगे, जो लोग नहीं करते जाके कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और उस दिन हुआ क्या था कि जैसे कि आपको पता है विश्वकर्मा पूजा के दिन हमें साइकिल वगैरह धोनी होती है या फिर घर के लोहे का जितना भी सामान है उसको साफ करना होता है। मेन मुद्दा हमारा होता है कि साइकिल वगैरह वहाँ पे धोनी होती है विश्वकर्मा पूजा में, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, हमारे पास कोई मोटर वगैरह नहीं है, बोर वगैरह नहीं किया हुआ घर में, ठीक है, टैंकी वगैरह कोई सुविधा नहीं है, तो हमने सिंपली बाल्टियां पानी लेके साइकिल को धोया। तो उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ कि गाइस कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसी चीज बनानी चाहिए जिससे हम प्रेशर पानी का बना सकें और साइकिल को साफ कर सके बहुत ही इजीली। और अगर आप इस तरह से मोटर वाला बनाते हो तब आपको 1200-1300-1500 से 2000 रुपए तक खर्चा हो सकता है, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में 10 रुपए की चीज बना देंगे बिल्कुल फ्री में, सच में, मतलब 10 रुपए में ही बना देंगे इस चीज को, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मजा आएगा और बहुत ज्यादा काम भी करता है। आपने शुरुआत में भी इसका डेमो थोड़ा सा देख ही लिया होगा वीडियो में, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि गाइज मेहनत लगती है यार, 4 बज गए वीडियो बनाते बनाते, तो प्लीज पूरा देख लोगे तो कुछ जाएगा नहीं, कम से कम पूरा देख लेना, टाइम पास भी हो जाएगा और नॉलेज भी इकट्ठा हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक हम रखते हैं सिर्फ 300 लाइक, उससे ज्यादा कर दोगे तो चलेगा, कम मत करना, ठीक है। 300 लाइक कंप्लीट कर देना, 2000 लोग देखेंगे तो लाइक का बटन दबाने में क्या जाता है यार, तो लाइक दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाकर ऑल प्रेस कर लेना मेरी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अपने वर्किंग टेबल पर आ चुके हैं और यहाँ पे आपको सिंपल सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो सारी चीज मैं आपको शो कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे को एक वॉल्व चाहिए जो कि ये ट्यूब से मिलता है, देख सकते हो साइकिल के ट्यूब है जिसमें ये वॉल्व लगा रहता है। इसकी खासियत ये है कि इसमें से हवा अंदर तो आ सकती है लेकिन बाहर नहीं जा सकती, इसका मैकेनिज्म ही कुछ इस तरह का होता है। दूसरा, हमें कुछ इस तरह का वॉल्व चाहिए, देख सकते हो ये शायद ट्रैक्टर या कार का वॉल्व है, ठीक है, तो इस तरह का चाहिए जिससे हम सीधा ही, कुछ भी इसमें कोई सिस्टम नहीं है, सीधा एक पाइप जैसा काम करेगा। तो इसके जगह पे आप आगे कुछ और भी यूज कर सकते हो, इस वीडियो में बने रहना, आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे एक माजा की बोतल चाहिए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ माजा की बोतल चाहिए, आप किसी भी तरह की बोतल या बड़ी केन का यूज कर सकते हो, ठीक है। जितनी बड़ी चीज का यूज करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, पानी वानी भरने वाला जो केन होता है उसका यूज भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके मम्मी पापा उसको खराब करने के लिए दे रहे हैं तब, नहीं तो पुराना इस तरह का बोतल आप बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस वॉल्व को यहाँ से निकाल लें कट करके ताकि हम इसको कैप में फिट कर सके, ठीक है, हम इसको कैप में फिट करने वाले हैं, देख सकते हो। तो हम इसको यहाँ से पहले कट करके निकाल लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लिया है क्योंकि अभी अभी हम इसमें थोड़ी देर में एम सील लगाने वाले हैं, ठीक है, और उससे पहले हम यहाँ पे फेविक्विक लगा लेते हैं जिससे और ज्यादा एयर टाइट हो जाए। एयर टाइट बहुत ज्यादा जरूरी है तो वो तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले कुछ फेविक्विक डाल लेते हैं, उसके बाद इसमें एम सील भी लगा लेंगे। अब हम इसमें एम सील लगाने वाले हैं तो उससे पहले एम सील को मिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि आपको बताया इसमें दो तरह के पैकेट मिलते हैं, एक में काला सा होता है, देख सकते हो क्ले टाइप का, यहाँ पे एक काला सा है और एक हमारा वाइट कलर का होता है, ठीक है, वाइट तो नहीं है यार, फिर भी है थोड़ा बहुत क्रीम कलर का, ठीक है। तो इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है बराबर क्वांटिटी में, तो जल्दी से कर लेते हैं। गाइस ये रेडी हो चुका है, अब हम इसको करते हैं धूप में थोड़ी देर, इसको 1 या 1.5 घंटा रख देते हैं, ये तब तक सूख जाएगा, ठीक है, चले तब तक बाकी काम करते हैं। गाइस हाथ काले हो गए यार, देख लो, तो चलो अब अंदर चलते हैं और बाकी का काम करते हैं।
तो गाइस एक हिस्सा तो इसका सूखने के लिए रख दिया है, अब एक हिस्सा यहाँ से हमें वाटर मतलब पंप जब करेंगे तो हमें वाटर यहाँ से निकालने के लिए ये हिस्सा, ये वाला बॉल्ब भी पीछे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आगे का हिस्सा रख दिया है वहाँ सूखने के लिए, वो जब तक सूखता है तब तक हम ये काम भी कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे देखो तो इसके बराबर होल तो हो चुका है, लेकिन हमें प्रॉब्लम ये है कि हमें इसको स्ट्रप से नहीं डालना, हमें इसे यहाँ से डालते हुए यहाँ से इसका मुंह निकालना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट काम है, लेकिन इसका एक हैक है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे अब हम इसमें एक पाइप इस तरह का फिट करने वाले हैं, देख सकते हो। और साथ ही यहाँ पे मैंने इसके छेद को छोटा करने के लिए यहाँ पे एक नोजल के रूप में पेन को लगा लिया है, ठीक है। इसका छेद आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, अगर हमें ज़्यादा छोटा लगेगा तो ड्रिल मशीन से हम इसे बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इस पाइप को इसमें लगा देता हूँ, तो फिलहाल ये बहुत ज़्यादा टाइट है तो थोड़ा सा इसको हीट करके इसमें टाइटली लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक टायर का टुकड़ा लगाया है मतलब ट्यूब का, जिससे एयर टाइट हो जाए, और यहाँ से तो एयर टाइट है ही, ठीक है। और ढक्कन को यहाँ पे हम खोल के यहाँ पे इसमें पानी भर सकते हैं और साथ ही इसमें पंप मार के प्रेशर बनाने वाले हैं, तो बस वीडियो बने रहिए, आपको टेस्टिंग में मिल जाएगी। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और आप चाहो तो इसको और इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन पहले इसकी टेस्टिंग करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इम्प्रूवमेंट क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको और अच्छे से टाइट कर दिया, यहाँ पे तार से कस दिया जिससे ये पाइप नहीं निकलेगा, और मैंने इसको टेस्ट करके देखा था डेमो के लिए, तो फिर वहाँ पे पानी यहाँ से लीक हो रहा था, तो मैंने इसको और अच्छे से कस दिया है, ठीक है। अगर अब पानी निकले तो आप चाहो तो इसमें MC लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे ट्यूब लगा दिया था, पर फिर भी अगर लीक करे तो MC लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं, इसमें पानी भरते हैं और जल्दी से इसको टेस्ट करते हैं। सनलाइट आ रहा है, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कितना ज्यादा इसका प्रेशर निकल रहा है, और ये प्रेशर उससे मिल रहा है जो देख सकते हैं वहाँ पे पंप मारा जा रहा है। तो अभी रुक जाओ, पंप मत मारो अभी। हमको क्या अच्छा था? तो देख सकते हो यहाँ पे ये इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि इससे आप साइकिल वगैरह आराम से साफ कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही वहाँ पे देख सकते हो इसका प्रेशर कहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो कितने अच्छे से आपका धूल मिट्टी आराम से साफ हो सकता है, इससे आप एक एक चीज को साफ कर सकते हो बढ़िया से, चाहे वो आपके साइकिल का कोई भी पार्ट है, इसे तो काफी अच्छे से इससे साफ कर सकते हैं अपने साइकिल वगैरह। वाह, अरे मोबाइल गीला हो गया तेरा। गाइस उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। देखो ये एक डेमो पीस है, ठीक है। यहाँ पे आप एक बात कहोगे कि भाई ये तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। तो देखो ये एक डेमो है कि आप प्रेशर किस तरह से बना सकते हो बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट किए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करोगे तो बहुत मतलब दिक्कत होगा, ठीक है। प्रेशर वाले मोटर का यूज कर सकते हो, लेकिन बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना मतलब 0 रुपए में समझ लो इसको किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। अब इस तरह के आप मल्टीपल बोतल लगा सकते हो, बॉटल्स बहुत सारे इस तरह से लगा सकते हो, 3-4 इस तरह सीरीज में, और सबको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। प्रेशर तो आपने इसका देख ही लिया होगा, तो इस तरह से काम करता है, ठीक है। एकदम डेमो पीस समझ लो इसको, आप इस तरह से बना सकते हो घर पे, और बहुत ही अच्छा प्रेशर है इसका, साइकिल वगैरह आपको बहुत ही आराम से धो सकता है, क्योंकि देखो यार ऐसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है साइकिल को धोने में। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया तो। चलिए आज की वीडियो में इतने, तब तक गुड बाय।